नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग। और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। आईसीएमआर का दावा, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का खतरा बरकरार, मौत का जोखिम है कम। डेरा प्रमुख राम रहीम की बढ़ेंगी मुश्किलें, रंजीत हत्या मामले में 26 अगस्त को कोर्ट सुना सकती है फैसला। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर पर महाराष्ट्र सरकार को झटका, एससी ने खारिज की याचिका। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का विवादित बयान, कहा तालिबानी क्यों कह रहे हैं, उन्हें अफगानी कहिए, बोले हम हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा का जल्दी शिकार होते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़े गए खास नस्ल के 2247 कछुए, थाईलैंड भेजने की थी तैयारी। राजुल मिलीलन ने कहा, फ्रांस ने काबुल से 21 भारतीयों को निकाला बाहर, भारत में पढ़ रहे अफगानी छात्र हुए परेशान। सीजीआई एनवी रमना बोले, बाहरी दबाव से प्रभावित ना हो जज, फैसलों में नहीं दिखना चाहिए पूर्वाग्रह। भाजपा ने कहा, अफगानिस्तान मामले पर सतर्कता से बड़े मोदी सरकार, सतर्कता विदेश नीति का करे पालन। केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी, तमिलनाडु में नौसेना प्रतिष्ठानों का 3 किलोमीटर का दायरा होगा नो फ्लाई जोन। यूएनएससी की बैठक में बोले जयशंकर, भारत सरकार ने विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के कर्मियों को दी 2 लाख कोविड-19 की वैक्सीन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, तालिबान पर नहीं है कोई टिप्पणी, सदस्य के बयान से किया किनारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज में राष्ट्र होता है मजबूत। बंगाल में मदर डेयरी का नाम बदला, ममता ने कहा, जब बंगाल की गाय दूध देती है तो इसका नाम बंगाल के नाम पर होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के समय पर विवाद, कांग्रेस के ट्वीट पर तृणमूल ने कहा, लोगों की भावनाओं से न खेले पार्टी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, भारत को वैश्विक ज्ञान के केंद्र में बदल देगी एनईपी 2020, आईआईटी निभाएंगे अहम भूमिका। योगी सरकार ने पेश किया 7,301.52 करोड़ का अनुपूरक बजट, युवाओं किसानों और मानदेय कार्मिकों के लिए खोला खजाना। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल। भाजपा ने पश्चिमी यूपी से संभाला किसानों का मोर्चा, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के असर पर है खास नजर। योगी सरकार जल्द दे सकती है अति पिछड़ों को आरक्षण, परीक्षण पूरा होते ही इसी कार्यकाल में होगा लागू। यूपी के 30,000 ग्राम सभा वार्डों में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान, 19 से 21 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कांग्रेस के प्रदेश व जिला पदाधिकारी गांव मोहल्लों में 90 लाख लोगों से करेंगे संवाद।
लखनऊ के गोपाल चतुर्वेदी को मिलेगा रविन्द्रनाथ त्यागी स्मृति शीर्ष सम्मान। दिल्ली में 4 सितंबर को होगा आयोजन। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के नए मानक बनाएगा IIT कानपुर, नुकसानदेह मेटल्स का लगाएगा पता। औरैया में कांग्रेसियों ने भरी हुंकार, आगामी 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी है तैयार। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान बदमाश गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया में सपा के पूर्व विधायक ने पहुंचाई राहत सामग्री, जयप्रकाश ने क्षेत्र में पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। बुलंदशहर में दीक्षा चौधरी के पास है दिव्य दृष्टि, आंखों पर काली पट्टी बांध चलाती है बाइक। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में 25,000 का बदमाश हुआ घायल। फतेहपुर में पीड़ित महिला न्याय की कर रही है मांग, ससुराल वाले महिला को करते हैं प्रताड़ित। संबल में सपा सांसद के बयान पर पूर्व DGP की प्रतिक्रिया, सांसद ने तालिबान को लेकर दिया था विवादित बयान। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक पर बदमाशों का 3rd degree टॉर्चर। लखनऊ में प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पर BJP का वार, BJP प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने साधा निशाना। मुरादाबाद में प्रेम विवाह के खिलाफ परिवार वालों ने लड़की को जमकर पीटा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर में युवक की जहर खाने से हुई मौत, ब्लैकमेलिंग का शिकार था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में CM के OSD का नाम लेकर फोन करने वाला गिरफ्तार, PWD के अधिकारियों पर काम कराने का डाला था दबाव, अधिकारी ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। लखनऊ में मंत्री नंदगोपाल नंदी की आवाज पर जुटे उद्यमी, उद्योगों के विकास नई संभावनाओं पर हुई चर्चा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पहुंचे लखनऊ, बॉक्सिंग खिलाड़ी लवलीना भी पहुंची लखनऊ, अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का किया स्वागत। लखनऊ में वर्धमान एग्रो इंडस्ट्री के मालिक रितेश राय गिरफ्तार, कई व्यापारियों से 5 करोड़ की जालसाजी में गिरफ्तार, फर्म के नाम पर व्यापारियों से की खरीदारी। बुलंदशहर पहुंचे मोदी मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री BL वर्मा, जन आशीर्वाद यात्रा का BL वर्मा ने किया नेतृत्व। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तेल चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। शाहजहांपुर में सदर क्षेत्र में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोग हुए घायल।
सिद्धार्थनगर में बाढ़ से घिरा संगलदीप गांव, 5 दिन बाद भी प्रशासन नहीं लिया संज्ञान। सिद्धार्थनगर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन, शिविर में लगभग 300 लोगों ने जांच कराया स्वास्थ्य। ताज नगरी में एक बार फिर धारा 144 लागू, लोगों के नियमों का कड़ा होगा पालन। अलीगढ़ में बहुमंजिला इमारत से गिरकर युवक की मौत, पुलिस ने शव को जांच के लिए भेजा। अलीगढ़ में बच्ची के साथ महिला ने नहर में लगाई छलांग, राहगीरों ने महिला और बच्ची को बचाया, अस्पताल में मासूम का इलाज जारी। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा, चोरों के पास कई कीमती सामान हुए बरामद। आजमगढ़ में तेजी से बढ़ रहा घाघरा नदी का जलस्तर, बढ़ते पानी ने कई लोगों की बढ़ाई मुसीबत, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने शुरू किया काम। फतेहपुर में करनी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन, विद्युत विभाग को दी कड़ी चेतावनी, जर्जर तारों को बदलने के लिए हुआ प्रदर्शन। गोरखपुर में अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, शुरू हुआ ऑपरेशन शिकंजा, एडीजी ने एसपी और एसपी के की मुलाकात। शाहजहांपुर में बेटियों को जम देने पर महिला को मिली सजा, पति ने पत्नी को जमकर पीटा, खौलता हुआ पानी डालकर जलाने की कोशिश। हरदोई में मिशन शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश, मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में कई महिलाओं ने लिया हिस्सा। लखीमपुर खीरी में फर्जीवाड़ा करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, शातिर के पास से 128 एटीएम कार्ड हुए बरामद। सोनभद्र में खाद लेने गए किसानों ने किया जमकर हंगामा, नाराज किसानों ने किया सड़क को जाम, सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों से की बात। वाजपुर में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के उपाध्यक्ष बने अरविंद यादव, सपा को मजबूत करने के लिए घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। हरिद्वार में ट्रेजरी में तैनात पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या की घटना से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। नागल में पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा न्याय, दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ की थी मारपीट। रुड़की में अवैध खनन के कारोबार पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई, पुलिस की आंखों के सामने गुजर रहे बालू और मोरंग से लदे वाहन। पर्यटकों के लिए खुली गड़तांग गली, एक बार में जा सकेंगे 10 पर्यटक। नैनीताल में चुनावी साल में धाम का राहत पैकेज, राज्य को दी 118 करोड़ की धनराशि। अल्मोड़ा में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य, ग्रामीणों में दिखी खुशी की लहर। चमोली में जोशी मठ के भालू का आतंक, डरे सहमे लोग घरों में घुसे, वन विभाग की बड़ी लापरवाही।
ऋषिकेश में चोरों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर मवेशी ले हुए फरार, बुजुर्ग महिला को हथियार दिखाकर डराया। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई गांवों के संपर्क मार्ग टूटे। चंपावत में बीजेपी एमएलए पूरन सिंह ने रखा जन कार्यक्रम, कार्यक्रम में कई नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। एफएए ने कहा अमेरिका वाहक डीओडी की मंजूरी के साथ काबुल से लोगों को बाहर निकालने के लिए संचालित कर सकते हैं उड़ानें। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी लौट सकते हैं अफगानिस्तान, वापसी को लेकर तालिबान से बातचीत। तालिबान शासन का विरोध कर सकता है पंजशीर प्रांत, ताजिकिस्तान में अफगानी राजदूत ने गनी को बताया देशद्रोही। यूएई से अशरफ गनी ने कहा काबुल में रहता तो कत्लेआम होता, फैसले लेकर भागने पर भी दी सफाई। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, जलालाबाद में 3 लोगों की हत्या। तालिबान को एक और झटका, अफगान पर कब्जा करके भी कंगाल ही रहेगा तालिबान, यूएस के बाद आईएमएफ ने किया तिजोरी का गेट लॉक। पाकिस्तान की हुई फजीहत तो लिया एक्शन, यूट्यूब लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में 400 पर केस दर्ज। अफगानिस्तान मसले पर चर्चा करेगा नाटो, 30 देशों के विदेश मंत्रियों की शुक्रवार को करेगा आपात बैठक। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, आयात निर्यात पर लगाई रोक। भारत और युगांडा में मिली नकली कोविड शील्ड, 5 और 2 ml की शीशी से लगाई गई 10 डोज, WHO ने कहा ये गंभीर खतरा। करोड़ आबादी वाले कैरिबियाई देश में भूकंप के बाद बाढ़, 2000 की मौत, 12 लाख लोग पानी और खाने के लिए तरसे। श्रीलंका फिर ड्रैगन के चंगुल में, चीन से 2200 करोड़ का लेगा कर्ज, पुराना कर्ज न चुकाने पर चीन ने हड़प लिया था हम्बनटोटा पोर्ट। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के चलते दर्जनों घर जलकर खाक। मलाला ने कहा अफगानी लड़कियां आज वहीं जहां कभी मैं थी, सोचकर रूप कांपती है, बंदूकधारी पुरुष जिंदगी तय करेंगे। न्यूजीलैंड में अब 12 से 15 साल के किशोरों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, जैसिंडा सरकार कर रही है विचार। अफगान में तालिबान राज के बीच जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, जब तक सबको निकाल नहीं लेते तब तक रहेगी हमारी सेना। अफगानिस्तान में नहीं होगा लोकतंत्र, शरिया कानून से चलेगी सरकार, बोला तालिबान। तालिबानियों के हाथ आया खुफिया डेटा, अमेरिकी सेना की बायोमेट्रिक डिवाइस तालिबानी कब्जे में, इससे फौज और लोगों की पहचान उजागर हो सकती है।
अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान ने पत्रकारों को पीटा, हवाई फायरिंग भी की। पाकिस्तान में 31 अफगानी शरणार्थियों पर दर्ज हुआ केस, देश विरोधी नारे लगाने के आरोप। किसानों को किराए पर मिलेंगे खेती किसानी से जुड़े सामान, फार्म कार्ट स्टार्टअप लाई नई स्कीम। लॉकर में हुई चोरी तो बैंक भरेगा हर्जाना या आपको उठाना पड़ेगा नुकसान, आरबीआई ने किया क्लियर। अरबपति निवेशक राधाकिशन दमानी दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में हुए शामिल। फार्म कार्ड लाया कृषि उपकरण रेंट पर देने की सुविधा, लॉन्च किया रेंट फॉर फार्म प्लेटफॉर्म। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी बोले, देश में विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है उपलब्ध। टी20 धुरंधर को मिली इंग्लैंड टीम में जगह, भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से इंग्लैंड की टीम के ओपनर डॉम सिबली के साथ जैक क्राउले की हुई छुट्टी। भारतीय विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने कहा, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को टक्कर दे सकता है वेस्टइंडीज। टी20 विश्व कप 2021 के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा, कई धुरंधरों को मिली जगह। पाकिस्तान क्रिकेट को लगेगा बड़ा झटका, अफगानिस्तान में पैदा हुए मौजूदा हालात के बाद न्यूजीलैंड कर सकता है दौरा स्थगित। भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सुपरहिट तमिल फिल्म ओथा सरप्पे के हिंदी रीमेक में अभिषेक बच्चन की हुई एंट्री। शाहरुख खान की अपकमिंग अनटाइटल फिल्म की सानिया मल्होत्रा आएंगी नजर, जिसमें शाहरुख निभाएंगे लीड रोल, शंकर रमन ने किया है फिल्म का निर्देशन। कंगना रनौत ने शुरू किया टीकू वेट शेरू का प्री प्रोडक्शन वर्क, नवंबर से शुरू होगी नवाजुद्दीन की स्टारर फिल्म की शूटिंग। कपिल शर्मा शो से बाहर नहीं हुई सुमोना चक्रवर्ती, चैनल द्वारा शेयर किए गए नए प्रोमो में नजर आई एक्ट्रेस का चेहरा। जूनियर एनटीआर ने खरीदी देश की पहली लैम्बोर्गिनी उर्स ग्रेफाइट कैप्सूल कार, उस नई प्रीमियम कार की कीमत कम से कम 4 से 4.5 करोड़ रुपए। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।